गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेटल्स एंड एलॉयज के लेक्चर 18 में पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसीमर प्रोसेस। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था स्टील क्या है और स्टील के मैन्युफैक्चर करने का डिफरेंट प्रोसेस क्या है। आपके सिलेबस के अनुसार बेसीमर प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस पढ़ना है, जिसमें बेसीमर प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसीमर प्रोसेस। बेसीमर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ बेसीमर प्रोसेस। तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस का कि आयरन, जब हम कास्ट आयरन से हम जब स्टील बनाते हैं, कास्ट आयरन से जब हम स्टील बनाते हैं, तो इसमें अदर एलिमेंट्स इंप्योरिटीज के रूप में रहते हैं। कास्ट आयरन इज लिस्ट प्योर, दैट मींस मैक्सिमम इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट हियर। यहां पर आप देखेंगे कास्ट आयरन हमको मिला, इस कास्ट आयरन में आयरन के साथ कार्बन, मैंगनीज, फास्फोरस, सल्फर, इतने सारे एलिमेंट्स इंप्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है। और कास्ट आयरन से स्टील बनाने के लिए हमें इंप्योरिटीज को रिमूव करना होगा, इंप्योरिटीज को हटाना होगा। और जैसे कास्ट आयरन से इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएगा, तो कास्ट आयरन चेंज हो जाएगा रॉट आयरन में। और रॉट आयरन काफी सॉफ्ट है, रॉट आयरन इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि इसका हम कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एस्पाइजल को ऐड करेंगे। एस्पाइजल को ऐड करेंगे, एस्पाइजल क्या है, कार्बन एंड मैंगनीज का मिक्सर। और जैसे ही रॉट आयरन में एस्पाइजल हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ हार्ड बन जाता है और इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बेसीमर प्रोसेस से हम लोग स्टील बनाएंगे। तो बेसीमर प्रोसेस से स्टील बनाने का जो प्रिंसिपल है आपको बताया गया है, ऑल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन आर ऑक्सीडाइज एंड देन रिमूव्ड। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ एस्पाइजल इज एडेड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसीमर प्रोसेस से स्टील बनाने के लिए बेसीमर कन्वर्टर का यूज हम लोग करेंगे। बेसीमर प्रोसेस से स्टील बनाने के लिए बेसीमर कन्वर्टर का यूज हम लोग करेंगे, जिसके फिगर को दिखाया गया है, आप देख भी रहे हैं, आप अच्छी तरह देख रहे हैं। बेसीमर कन्वर्टर क्या है, बेसीमर कन्वर्टर पियर सेप्ट का फर्नेस होता है। बेसीमर कन्वर्टर पियर सेप्ट का फर्नेस होता है और यह आयरन का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड इट इज पियर सेप्ट फर्नेस। पियर सेप्ट आप समझ रहे हैं, नाशपाती, पियर सेप्ट नाशपाती के आकार का ये फर्नेस होता है, आयरन का बना हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लाइनिंग होता है, यहाँ पर जो आप जो ये रेड देख रहे हैं, इसमें लाइनिंग होता है। लाइनिंग आप समझ रहे हैं अस्तर, ये लाइनिंग या तो एसिडिक होता है, एसिडिक या बेसिक। ये लाइनिंग जो है ये या तो एसिडिक होगा नहीं तो बेसिक होगा। यदि ये एसिडिक होगा तो ये बना होगा सिलिका का, और यदि ये बेसिक होगा तो डोलोमाइट का होगा। डोलोमाइट दैट मीन्स CaCO3.MgCO3 डोलोमाइट का होगा। यदि ये एसिडिक होगा तो सिलिका का बना होगा, और यदि ये बेसिक होगा तो डोलोमाइट का बना होगा। कहाँ पर एसिडिक लाइनिंग का यूज हम लोग करते हैं, कहाँ पर बेसिक लाइनिंग का यूज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर आपने देखा कि पियर सेप्ट फर्नेस होता है, इसमें लाइनिंग होता है, ये लाइनिंग एसिडिक का भी हो सकता है और बेसिक का भी हो सकता है। ये फर्नेस जो पियर सेप्ट का होता है, दोनों साइड से क्लैंप से अटैच रहता है। आप देखेंगे दोनों साइड में क्लैंप बना हुआ है, ये क्लैंप से अटैच रहता है। ये इतना बड़ा इसका साइज है कि एट ए टाइम 40 to 50 टन कास्ट आयरन हम इसमें रख सकते हैं। हमको स्टील किससे बनाना है, कास्ट आयरन से। वी हैव टू प्रिपेयर स्टील फ्रॉम कास्ट आयरन। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, कास्ट आयरन। और
इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि एट ए टाइम 40 to 50 टन कास्ट आयरन हम इसमें एक साथ रख सकते हैं। ये मूव करता है, इसी क्लैंप के सहारे ये मूव करता है सभी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। जब हमको इसमें कास्ट आयरन डालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, और जब हम इसमें कास्ट आयरन फिल कर लेते हैं तो इसको हम ग्रेजुअली रेज करते हैं, उठाते हैं और इसको हम लोग वर्टिकली कर लेते हैं। आपने देखा होगा मिक्सर मशीन, मकान बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है मकान का, तो जिस दिन ढलाई का काम होता है आपने मिक्सर मशीन देखा होगा। और ये मिक्सर मशीन क्या करता है, क्या करता है मिक्सर मशीन, गिट्टी बालू सीमेंट सबको एक साथ मिक्स कर देता है। और आप देखते होंगे कि उसमें लेबर क्या करता है, गिट्टी डालता है, बालू डालता है, सीमेंट डालता है, और जब मिक्स हो जाता है तो फिर उसको ऐसे यू टर्न कर लेता है, और टर्न करने के बाद क्या होता है उसका सारा मटेरियल, मिक्सिंग मटेरियल जो है वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद से मैनुअल उसको प्लेस पर ले जाया जाता है। तो आपने देखा होगा मिक्सर मशीन उसी शेप का ये है, इसलिए आपको बताया हमने। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्लैंप के सारे किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, लैटरल सपोर्ट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कन्वर्टर के साइड में, कन्वर्टर के साइड में और बेस में स्मॉल होल रहता है, और इस होल से क्या होता है एयर इंटर होता है, एयर इंटर होता है। हमको क्या करना है यहाँ, हमको क्या करना है यहाँ, इम्प्योरिटीज को, ये जितने भी आयरन के साथ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन सभी को ऑक्सीडाइज करना है और इसे रिमूव करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन को, एयर को हम बाहर से दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही एयर जाता है तो इसमें जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट मीन सल्फर कम्बाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, मैंगनीज मैंगनीज ऑक्साइड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, सिलिकन सिलिका, इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा बेसीमर कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि इस बेसीमर कन्वर्टर में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसीमर कन्वर्टर में केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट सल्फर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिका सिलिकन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन SiO2 ये मैंगनीज ऑक्साइड इस सिलिका से रिएक्ट करके मैंगनीज सिलिकेट बनाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज एलिमेंट जो प्रेजेंट है आयरन में, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड के रूप में चेंज होता है और ये बाहर निकल जाता है। लास्ट में क्या होगा कि ये कार्बन जो इसमें प्रेजेंट है कास्ट आयरन में, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एंड दिस गैस वर्म्स विद ब्लू फ्लेम एट द माउथ ऑफ द कन्वर्टर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, इस कन्वर्टर के माउथ पर ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है दिस कार्बन मोनोऑक्साइड वर्म्स विद ब्लू फ्लेम एट द माउथ ऑफ द कन्वर्टर, ये ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है कन्वर्टर के माउथ पर। अब जब तक यहाँ पर ब्लू फ्लेम हमको दिखेगा, जब तक ब्लू फ्लेम कन्वर्टर के माउथ से निकलता हुआ दिखेगा, तब आप समझेंगे
कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है. बट व्हेन दिस ब्लू फ्लेम सिंक्स, व्हेन दिस ब्लू फ्लेम सिंक्स, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल कार्बन हैज बर्नड अवे. जब ये ब्लू फ्लेम दिखना बंद हो जाएगा, जब तक ये ब्लू फ्लेम दिखेगा हमको, हम समझेंगे कि कार्बन इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन है तभी ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है और वो जल रहा है ब्लू फ्लेम के साथ में. लेकिन जैसे ही ब्लू फ्लेम का निकलना बंद हो जाएगा, हम यह समझेंगे कि जितना भी कार्बन इसमें प्रेजेंट है वो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में चेंज हो गया एंड नाउ देयर इज नो एनी कार्बन. अब यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है. जब ये कार्बन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिर्फ आयरन बच गया है. जब इस कास्ट आयरन में से जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीडाइज होके रिमूव हो गए हैं, तो जो आयरन का फॉर्म मेरे पास है दैट इज ओनली द रॉट आयरन. रॉट आयरन इज वेरी वेरी सॉफ्ट, सो वी कांट यूज एनीवेयर. किसी इंडस्ट्री में, किसी इंजीनियरिंग वर्क्स में हम इस रॉट आयरन का यूज नहीं कर सकते हैं. किसी इंडस्ट्री में, किसी इंजीनियरिंग वर्क्स में हम इस रॉट आयरन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट है और सॉफ्टनेस के कारण इसकी यूटिलिटी लो है. अब हम क्या करेंगे, जब ये काफी सॉफ्ट है और हमको यूज करना है, तब हम इसे हार्ड बनाएंगे. इसे हम हार्ड बनाएंगे. नाउ वी एड स्पाइरल इन टू दिस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. अब यहाँ पर इस रॉट आयरन में हम स्पाइरल को ऐड करेंगे और वो स्पाइरल का क्वांटिटी डिपेंड करेगा कि हमको इस स्टील को कहाँ यूज करना है और कितना हार्ड बनाना है. स्पाइरल के ऐड करने के बाद, स्पाइरल के ऐड करने के बाद हमको स्टील मिल जाएगा. ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय बेसीमर प्रोसेस. और यहाँ पर अब हम आप लोगों को बताएंगे, रिएक्शन आप देख रहे हैं, नोट डाउन आप कर लेंगे. रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बेसीमर कन्वर्टर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. और यहाँ पर ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज ऑनली द एसिड लाइन. एसिड लाइन, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये एसिड लाइनिंग का है. ये जो लाइनिंग हमने बताया था कि ये लाइनिंग एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. तो एसिडिक होने से, चूंकि सिलिका है SiO2 और बेसिक होने से डोलोमाइट है, तो दोनों का केमिकल चेंज है तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा. ये केमिकल रिएक्शन आपको बताया गया है, दिस इज द एसिड लाइनिंग का. एसिड लाइनिंग हम कहाँ यूज करते हैं, एट ए टाइम हम एक ही लाइनिंग वाला बेसिमर कन्वर्टर यूज कर सकते हैं, आइदर एसिड लाइनिंग और बेसिक लाइनिंग, एक साथ हम दोनों का यूज नहीं कर सकते हैं. तो एसिड लाइनिंग बेसिमर कन्वर्टर का यूज हम कहाँ करते हैं और बेसिक लाइनिंग बेसिमर कन्वर्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, ये आप जानो. इस कास्ट आयरन में, इस कास्ट आयरन में जो कि आप देख रहे हैं कि आयरन का एक्सट्रैक्शन हुआ है कास्ट आयरन के रूप में, इस कास्ट आयरन में यदि इस फास्फोरस की मात्रा, इस कास्ट आयरन में यदि इस फास्फोरस की मात्रा काफी लेस है, इस कास्ट आयरन में फास्फोरस की मात्रा काफी लेस है, बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम क्वांटिटी है फास्फोरस का, 0.000 समथिंग है, इतना यदि फास्फोरस की मात्रा कम है, तब हम एसिड लाइनिंग वाला बेसिमर कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे. कब इस्तेमाल करेंगे, जब कास्ट आयरन में फास्फोरस का परसेंटेज काफी लो है, तब हम एसिड लाइनिंग वाला बेसिमर कन्वर्टर यूज करेंगे. लेकिन जब इस कास्ट आयरन में फास्फोरस का परसेंटेज काफी हाई है, तब हम बेसिक लाइनिंग वाला बेसिमर कन्वर्टर का यूज करेंगे. कब यूज करेंगे, जब कास्ट आयरन में फास्फोरस का परसेंटेज हाई है, तब हम बेसिक लाइनिंग वाला बेसिमर कन्वर्टर का यूज करेंगे. और जैसे ही बेसिक लाइनिंग वाला बेसिमर कन्वर्टर का यूज करेंगे, रिएक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लाइनिंग है वो डोलोमाइट का बना हुआ है. डोलोमाइट आप समझ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो अभी हम लोग देखेंगे
कि जब हम बेसिक लाइनिंग वाला बेसीमर कन्वर्टर यूज करेंगे उस समय रिएक्शन क्या होगा। आप देखेंगे ये सारा एसिड लाइनिंग वाला रिएक्शन है और बेसिक लाइनिंग वाला रिएक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक लाइनिंग वाला रिएक्शन, बेसिक लाइनिंग के रिएक्शन में हम लोग देखेंगे क्या है, ये टूटेगा, डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज होगा। ये दोनों डिकम्पोज होगा, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, और फास्फोरस की मात्रा अधिक है। तो जैसे ही फास्फोरस की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। आप देखेंगे 4P प्लस 5O2 2P2O5, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अधिक मात्रा में बन रहा है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा अधिक है, क्वांटिटी अधिक है, क्यों अधिक है, क्योंकि जो हमने कास्ट आयरन लिया है उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, फास्फोरस की क्वांटिटी अधिक है, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी ज्यादा फॉर्म करेगा। और अब हम लोग देखेंगे ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इस कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाएगा, जो कि हम लोग देखेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं P2O5 प्लस 3CaO Ca3PO4 होल टू, इसी तरह P2O5 प्लस 3MgO, यहाँ पर हम लोग देखेंगे Mg3PO4 होल टू। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये बेसिक लाइनिंग का बेसिमर कन्वर्टर, बेसिक लाइनिंग का बेसिमर कन्वर्टर है, तो ये रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, दिस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अगेन रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वी गेट कैल्शियम फॉस्फेट, एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू गेट मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिक लाइनिंग बेसिमर कन्वर्टर, और ये ऊपर में जो है ये एसिड लाइनिंग बेसिमर कन्वर्टर का रिएक्शन है। तो ऐसा समझ रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा बेसिमर प्रोसेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का। बेसिमर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आप ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, और ओपन हथ प्रोसेस से भी हम स्टील बनाते हैं, ओपन हथ प्रोसेस से स्टील बनाते हैं, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ओपन हथ प्रोसेस से जो हम स्टील बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। अब एडवांटेजेस क्या है ओपन हथ प्रोसेस का, सो हम लोग देख लेंगे कि ओपन हथ प्रोसेस में क्या एडवांटेजेस है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ ओपन हथ प्रोसेस ओवर बेसिमर प्रोसेस। तो ओपन हथ प्रोसेस का क्या हम लोग देखेंगे, उसका एडवांटेजेज है, आप सिर्फ एडवांटेजेस को नोट करेंगे ओपन हथ प्रोसेस का, एडवांटेजेज ऑफ ओपन हथ प्रोसेस, उसमें भी कास्ट आयरन से ही हम स्टील बनाते हैं। ओपन हथ प्रोसेस से यदि क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको एडवांटेजेज ही पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता है। देखेंगे आप एडवांटेजेज ऑफ ओपन हर्थ प्रोसेस, ये सेकेंड नंबर पढ़ा है, ओपन हर्थ प्रोसेस ओवर बेसिमर प्रोसेस,
प्रोसेस ये हम लोग देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसको बिल्ड करेंगे और देखेंगे हम लोग कि ओपन हेड प्रोसेस जो कि सेकंड प्रोसेस है स्टील बनाने का, ओपन हेड प्रोसेस जो कि सेकंड प्रोसेस है स्टील बनाने का, उसका क्या एडवांटेजेस है। स्टील हमेशा ओपन हेड प्रोसेस में ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो आप कोई भी पूछ सकता है कि ओपन हेड प्रोसेस का एडवांटेजेज क्यों ज्यादा है बेसिमल प्रोसेस से, तो उस समय आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड ओपन हेड प्रोसेस से जो हम स्टील बनाते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती है। सेकेंड पॉइंट है, स्टील कैन बी एग्जामिन्ड टाइम टू टाइम। स्टील को समय समय पर हम एग्जामिन करते रहते हैं स्टील का, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। फर्स्ट पॉइंट, बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑब्टेन। आप समझ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। स्टील बनाने का जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज द ओपन हर्थ प्रोसेस, इस ओपन हर्थ प्रोसेस का एडवांटेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओपन हर्थ प्रोसेस का एडवांटेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑब्टेन। सेकेंड पॉइंट है स्टील कैन बी एग्जामिन टाइम टू टाइम। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर कैन बी easily controlled. Temperature can be easily controlled. Temperature को हम लोग आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, किसमें? ओपन हर्थ प्रोसेस में। फोर्थ है, स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड not only from cast iron, also from scrap iron। आप इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। लिखा गया है स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड नॉट ओनली फ्रॉम कास्ट आयरन आल्सो फ्रॉम स्क्रैप आयरन। मतलब बेसिमर प्रोसेस में जो हम स्टील बनाते हैं, वो हम सिर्फ कास्ट आयरन से बनाते हैं, लेकिन स्क्रैप आयरन क्या है? वेस्टेज, कतरन, काटसर, उसको हम लोग वहां पर यूज नहीं करते हैं। लेकिन ओपन हर्थ प्रोसेस में, उस वेस्टेज, उस स्क्रैप आयरन से भी हम लोग यहाँ पर स्टील बना लेते हैं। तो जो हमारा वेस्टेज था बेसिमर प्रोसेस में जिसको हम फेंक देते थे, यहाँ पर हम उसका भी यूज कर ले रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे कि ओपन हर्थ प्रोसेस में जिस फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं That is the mixture of producer gas and air. Open hearth process में जो open hearth furnace में जो हम fuel का इस्तेमाल करते हैं, fuel का use करते हैं, वो क्या है? Producer gas and air. Fuel जो हम लोग लेते हैं ये क्या है? Producer gas plus air. प्रोड्यूसर गैस आप समझ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन CO+N2। तो ये फ्यूल जो हम यूज करते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस में, ओपन हर्थ फर्नेस में हम इस फ्यूल का यूज करते हैं, तो ये फ्यूल रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी पर काम करता है। अब देखेंगे द फ्यूल
which is used in this process works at regenerative principle of heat economy. रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी. आप देखेंगे लास्ट पॉइंट जो है द फ्यूल विच इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस वर्क्स एट रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी. ये कौन सा प्रिंसिपल है? रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी. दैट मीन्स इसमें हमको फ्यूल बहुत कम लगता है, बहुत कम यूज होता है फ्यूल का. एक बार हम फ्यूल दे देते हैं तो बार बार वो हीट जनरेट करते रहता है. इसलिए यहाँ पर कहा गया है दिस वर्क्स एट रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी. और कौन सा फ्यूल है? दैट इज द मिक्सर ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड एयर. प्रोड्यूसर गैस एंड एयर आप देख रहे हैं CO+N2, दैट इज द प्रोड्यूसर गैस एंड एयर. इसी फ्यूल को हम लोग यूज करते हैं किसमें? ओपन हर्थ फर्नेस में. तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स हमारा दिखा रहा है कि ओपन हर्थ प्रोसेस बेसिमर प्रोसेस से बेटर है. ओपन हर्थ प्रोसेस बेसिमर प्रोसेस से बेटर है. ये आप क्यों बेटर है ये आप जान लिए और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको पढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू.